नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 16 अक्टूबर 2019, तो आज हम चर्चा करेंगे 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या होगा। तो वह क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत और चीन के बीच कौन सा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हाल ही में शुरू हुआ है। तो भारत और चीन के मध्य यह दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन था, जिसमें चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वह भारत की यात्रा पर रहे थे, तब भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। यह अनौपचारिक मुलाकात थी और यह दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन था। तो यह था दोस्तों कल वाली वीडियो के आखिर में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वह क्वेश्चन। इसी प्रकार आज के वीडियो के अंत में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकोन घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक ही पहुँच सके। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों वह क्या है, वह क्वेश्चन है हर साल विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष दोस्तों विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, और वह कब मनाया जाता है, वह 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हर वर्ष 15 अक्टूबर को क्या विशेष है जिसके दिन पर मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है, और उनकी जयंती पर विश्व छात्र दिवस हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, और शुरुआत किसके द्वारा की गई तो उसके बारे में पूरी जानकारी हम देखते हैं। तो नीचे फोटो में दोस्तों आपको भारत के पूर्व राष्ट्रपति या मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों इनके बारे में। तो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, और यह दिन उनकी जयंती पर मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर कलाम एक समर्पित शिक्षक थे और किसी भी चीज़ से पहले खुद को उस भूमिका में सबसे पहले पहचानते थे। इसी प्रकार दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति को छात्रों से बहुत ही प्यार था, इसी कारण भारत में विभिन्न शैक्षणिक संस्थान अपने अपने तरीके से कलाम का जन्मदिन मनाते हैं। वहीं 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस घोषित किया था, और 2010 से लगातार हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर उनकी उपलब्धि। अब देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों नोबेल के साहित्य पुरस्कार निकाय की महिला प्रमुख सारा डेनियल का हाल ही में निधन हो गया है, तो वह कौन सी महिला प्रमुख थी। तो नोबेल के साहित्य पुरस्कार जो निकाय पुरस्कार चुनते हैं उनकी प्रमुख है सारा डेनियस का हाल ही में निधन हो गया है, तो वह कौन सी प्रमुख थी, वह पहली प्रमुख थी, पहली निकाय प्रमुख थी। ये सारा डेनियस आपको फोटो में दिखाई दे रही है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हाल ही में दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी दिए गए हैं। यदि आपने हमारा नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार वाला हमारा वीडियो जरूर देखें, बहुत ही शानदार वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है, आप हमारा वह वीडियो भी जरूर देखें। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो नोबेल के साहित्य पुरस्कार निकाय की पहली महिला प्रमुख सारा डेनियस का हाल ही में निधन हो गया है। वह दोस्तों एक साहित्य आलोचक प्रोफेसर और लेखिका थी, जिन्होंने 2015 से 2018 के बीच स्वीडिश अकादमी की पहली महिला स्थायी सचिव के रूप में कार्य किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2019 से शुरू होगा। तो भारत और किस देश के बीच होगा, तो यह दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार 2019 से शुरू होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास है वह शुरू होगा। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं, तो ये फोटो में आपको अमेरिका की सेना और भारतीय सेना आपको दिखाई दे रही है। इसके बारे में देखते हैं, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे वज्र प्रहार नाम दिया गया है, वज्र प्रहार 2019 का 10वां संस्करण CATL के संयुक्त बेस लुइस मेकोर्ड में शुरू हो रहा है। वज्र प्रहार दोस्तों एक विशेष बल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और अमेरिका में बारी बारी आयोजित होता है। पिछले साल यह अभ्यास जयपुर में आयोजित हुआ था। वहीं दोस्तों यह अभ्यास संयुक्त मिशन योजना क्षमताओं और
परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभव को साझा करने में सक्षम होंगे। दोस्तों द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और रक्षा क्षेत्र में आदान प्रदान से भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग और बढ़ेगा। दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल सुबह 8 से 9 बजे के मध्य वहाँ पर मिल जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 10वां संस्करण है वह आयोजन किया जा रहा है। तो इस संस्करण में क्या विशेष होगा वह देखते हैं। तो किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं जिनके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों इसके क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत 14 से 21 अक्टूबर तक किया जा रहा है। दोस्तों राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में 22 राज्यों के लोक कला और संस्कृति के विविध रूपों को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की पहल वर्ष 2015 में की गई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वेटिकन सिटी के एक भव्य समारोह में केरल की किस भारतीय नन को संत की उपाधि दी गई है? तो वेटिकन सिटी में दोस्तों एक भव्य समारोह में केरल की एक भारतीय नन है जिनका नाम मरियम थ्रेसिया है, मरियम थ्रेसिया को संत की उपाधि दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? मरियम थ्रेसिया। ये फोटो में आपको मरियम थ्रेसिया दिखाई दे रही हैं, इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों वेटिकन सिटी के एक भव्य समारोह में केरल की भारतीय नन मरियम थ्रेसिया और इनके अलावा 4 अन्य लोगों को पोप फ्रांसिस के द्वारा संत की उपाधि दी गई है। दोस्तों अन्य 4 नन हैं, उनके नाम देखें तो इंग्लिश कार्डिनल जॉन हेनरी न्यूमैन, स्विस लेवोन मार्गेगुइटवेज और ब्राजील की सिस्टर डुलस लोप्स और इतावली की सिस्टर जुसेपिना वेलिनी, ये 4 अन्य नाम हैं। और अपनी जो भारत की हैं उनका नाम मरियम थ्रेसिया है। दोस्तों सिस्टर थ्रेसिया ने मई 1914 में त्रिशूर में क्रांगिगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द होली फैमिली की स्थापना की थी। उन्होंने रोम के जो सेंट पीटर्स स्क्वायर में पवित्र यूकेरिटिस सेलिब्रेशन समारोह के दौरान संत घोषित किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों इंपॉर्टेंट है और ये बुक के बारे में क्वेश्चन है। तो बिल गेट्स जो बड़े अमीर घराने के व्यक्ति हैं, बिल गेट्स हैं, उनकी नई किताब का विमोचन कब होगा? उन्होंने एक नई बुक लिखी है, उन बुक का विमोचन दोस्तों कब किया जाएगा? तो ये बुक का विमोचन जून 2020 में होगा। बुक का नाम क्या है? बिल गेट्स के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो ये दोस्तों बुक है, बिल गेट्स की ये बुक है, उसका कवर पेज है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर द सोल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड, ये इस बुक का नाम होगा, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक और अमेरिकी परोपकारक बिल गेट्स की नई किताब हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर द सॉल्यूशन वी हैव द ब्रेक थ्रू वी नीड, इसका विमोचन जून 2020 में होगा। ये पुस्तक दोस्तों ब्रिटेन स्थित एलन लेन के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह पुस्तक जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट को रोकने के संभावित समाधानों के बारे में लिखी गई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में 31वें इंदिरा गांधी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया जाएगा या किन्हें चुना गया है? तो 31वें इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए चंडी प्रसाद भट्ट को चुना गया है। तो चंडी प्रसाद भट्ट कौन है, इनके बारे में जानते हैं। ये फोटो में आपको चंडी प्रसाद भट्ट जी दिखाई दे रहे हैं, इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है इसके बारे में देखते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए चिपको आलोन जो आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन के अग्रणी चंडी प्रसाद भट्ट को वर्ष 2017 से 2018 के लिए 31वें इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों उन्हें 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में पद्मश्री पुरस्कार, 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों
तो चंडी प्रसाद भट्ट हैं, उन्हें यह पुरस्कार 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उन्हें इस पुरस्कार से नवाजेंगी। इस पुरस्कार के स्वरूप उन्हें 10 लाख रुपये नकद और एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के दिवंगत अर्जन सिंह हैं, उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो गया? दिवंगत अर्जन सिंह। तो ये फोटो में दोस्तों आपको दिवंगत अर्जन सिंह दिखाई दे रहे हैं। तो इन क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के दिवंगत अर्जन सिंह के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। उन्होंने अगस्त 1964 से जुलाई 1979 तक वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्य किया है। दोस्तों भारत सरकार ने उन्हें जनवरी 2002 में वायुसेना के मार्शल के रूप में नियुक्त किया था। वह भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी थे जिन्हें 5 सितारा रैंक दिया गया था। दोस्तों अर्जन सिंह भारतीय सैन्य इतिहास का एक प्रतीक है और उन्हें 1965 के युद्ध के दौरान एक युवा इंडियन एयरफोर्स को उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान करने के लिए याद किया जाता है। और सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने कई देशों में भारत के राजदूत सहित विभिन्न पदों पर काम करना जारी रखा था। तो ये जानकर दोस्तों दिवंगत अर्जन सिंह के बारे में, जिनके याद में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड इंडिया ने किसको फर्म के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO के रूप में नियुक्त किया है? कंफ्यूज मत होइए, CEO नहीं है यहाँ पर, COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। तो किन्हें नियुक्त किया है? तो ये किया है विकास वर्मा को। तो फोटो में दोस्तों आप विकास वर्मा को दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें नियुक्त किया गया है। इनके बारे में जानते हैं। तो भुगतान प्रौद्योगिकी प्रमुख मास्टर कार्ड इंडिया ने विकास वर्मा को दोस्तों फर्म के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। वह देश में नई भागीदारी और डिजिटल भुगतान समाधान के विकास से संबंधित पहल का नेतृत्व करेंगे। हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारत में अगले 5 वर्षों में $1 बिलियन यानी लगभग 7100 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद में दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, 2019 से 2021 के लिए भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस यानी IPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो IPA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो के सतीश रेड्डी को IPA यानी भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये फोटो में दोस्तों आपको के सतीश रेड्डी आपको दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर रेड्डी कंपनी के ये चेयरमैन हैं के सतीश रेड्डी। इन्हें 2019 से 2021 के लिए भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों पेंसिया बायोटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेश जैन उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वह दोस्तों पहले 2013 से 2015 के दौरान भी IPA के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? ये जो के सतीश रेड्डी हैं, और उन्हें फार्मास्यूटिकल क्षेत्र और अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी हमने देख ली। अब देखते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर आपको ये क्वेश्चन आता होगा, तो नीचे कमेंट करके हमें इसका राइट आंसर जरूर बताइए। क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अर्थशास्त्र 2019 में नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इसकी घोषणा हुई है और इस नोबेल पुरस्कार के बारे में हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाकर डाल दिया है। यदि आपने हमारा वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मिल जाएगा, वहां पर जाकर वह वीडियो आप जरूर देखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह बताइए। तो ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, एस्थल डुप्लो, माइकल क्रेमर या कोई नहीं। तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वह राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।